वाले ना चाहते हैं कि अंकिता जीते या विकी जीते। आयशा जैसी हजार लड़कियां होगी जिससे मुनव्वर फ्लर्ट करता होगा। नजीला इतनी खूबसूरत है भाई, तूने आयशा अपनी शक्ल देखी आईने में? हाय एवरीवन, आज हम बात करेंगे बिग बॉस के बारे में। फर्स्ट ऑफ ऑल बिग बॉस का एक क्लियर विनर है जो है मुनव्वर फारूकी। इनको पता है ये मुनव्वर को हरा नहीं सकते और ना कोई कंटेस्टेंट है जो हरा सकता है। अभी मुझे ऐसा लग रहा है ये टीवी वाले ना चाहते हैं कि अंकिता जीते या विकी जीते, तो ये लोग मुनव्वर को थोड़ा नीचे गिरा रहे हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल मुनव्वर की पर्सनल लाइफ में घुसने का हक किसी को भी नहीं है। जैसे आप लोग मुझे कहते थे कि आजमा तुम पर्सनल जाती हो, तो आप लोग भी मुनव्वर की पर्सनल लाइफ में नहीं घुस सकते। आयशा जैसी हजार लड़कियां होगी जिससे मुनव्वर फ्लर्ट करता होगा। भाई वो जवान है, हैंडसम है, वो एक नहीं दस लड़कियां पटाएगा। ये आयशा जो बोल रही है शो पे आके कि तुम नजीला से बात करते थे अभी भी ब्ला ब्ला ब्ला, यार वो करेगा? नजीला इतनी खूबसूरत है भाई, तूने आयशा अपनी शक्ल देखी आईने में? नजीला खूबसूरत है, वो बात करेगा नजीला से, उसकी गर्लफ्रेंड या एक्स गर्लफ्रेंड या गर्लफ्रेंड, हमें क्या पता, जो भी है खूबसूरत है, वो करेगा उससे बात। अभी जब मैं नेक्स्ट टाइम रियलिटी शो करूंगी तो मुझे ये पता होगा कि मैं उस बंदे का बायोडाटा, खानदान की हिस्ट्री, एक्स गर्लफ्रेंड की हिस्ट्री, पूरी हिस्ट्री निकालूंगी और शो पे जाऊंगी। तो मुझे कोई ये नहीं बोल सकता कि आजमा तुम पर्सनल जाती हो, क्योंकि यहाँ तो ये लोग खुद पर्सनल जा रहे हैं बहुत ज्यादा, ताकि वो बंदा नीचे गिरे और उसकी जगह कोई और विनर बन सके। लेकिन मुनव्वर के अलावा आई डोंट थिंक कोई विनर होगा, और उसके अलावा कोई है बंदा जो कुछ कर रहा है।